हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी मेरे बहन के घर का होम टूर, जो होगा विलेज होम टूर। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक पूरा देखना, अगर थोड़ा सा भी पसंद आए एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे बहन का घर, तो मैं बाहर से पहले दिखा रही हूँ। तो ये है पूरा बिल्डिंग, तो दो मंजिलों का है और ऊपर छत भी है, तो तीसरे मंजिलों में छत है। तो देख लीजिए, ये है पूरा बिल्डिंग, तो बहुत ही बड़ा है। कैमरा में कितना बड़ा दिख रहा है मुझे पता नहीं है, बट बहुत ही बड़ा घर है। तो ये है आंगन, आंगन बहुत बड़ा है, और इस साइड में, आंगन के इस साइड में है मंदिर। तो आंगन के एक साइड में है जो घर बिल्डिंग है, और दूसरे साइड में ये मंदिर है, और यहाँ पे और एक जगह है। तो चलिए उस तरफ चलते हैं। तो आंगन से होते हुए यहाँ पे एक रास्ता है, और रास्ते के इस साइड में देखिए ये जो जगह है, ये भी मेरे बहन के घर का ही हिस्सा है। तो चलिए मैं इस जगह को भी मैं दिखा देती हूँ। तो ये जो जगह है, यहाँ पे शेड बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक चूल्हा है, बहुत ही बड़ा एक चूल्हा बना के रखा है। क्योंकि हर साल जो मेरे बहन के घर काली पूजा होते हैं, तो काली पूजा में बहुत सारे लोग प्रसाद खाने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग प्रसाद खाते हैं, तो उसके लिए इतना सारा खाना बनाने के लिए ये चूल्हा बनाया गया है हर साल, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले गाय था, तो बहुत सालों से ही गाय का ही घर है ये, लेकिन इस साल गाय नहीं है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से गाय को मजबूरन बेचना पड़ा। तो चलिए अभी चलते हैं जो मेन घर की तरफ। तो ये तो खाली जगह है, थोड़ा सा शेड बना हुआ है, तो मैंने इस जगह को दिखा दिया है। तो अभी चलिए मेन घर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे रास्ता है, बहुत सारा ग्रीनरी है, बहुत सारे ऐसे पेड़ है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो विलेज एरिया है, थोड़ा सा विलेज एरिया है, एकदम पूरा गाँव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा विलेज एरिया टाइप का है। तो इस जगह से आते हुए यहाँ पे रास्ता है, और रास्ते के उस साइड में घर है, और यहाँ से घर ऐसा दिखता है, देखिए जो। और अभी मैं आ गई हूँ मंदिर, तो सबसे पहले मैं मंदिर से स्टार्ट कर रही हूँ। और जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं, आई होप आप सब ने तो देखा होगा, मतलब पूजा के लिए मैंने जो वीडियो शेयर किया है काली पूजा का, उसमें मैंने ऑलरेडी शेयर किया है मेरे बहन के घर का जो मंदिर का लुक, क्योंकि होम टूर के वीडियो में मंदिर तो दिखाना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है राधा कृष्ण है, गोपाल है, बाल गोपाल का बहुत सारा मूर्ति है, राधा कृष्ण जी है, और यहाँ पे है माँ काली। तो एक दिन पहले मैंने जो वीडियो डाला था माँ काली के पूजा का, तो यही है वो माँ काली। और ये माँ जो है मेरे बहन के ससुराल का कुल देवी है, मतलब मेरे बहन के घर का कुल देवी ये माँ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी घर के अंदर चलते हैं। तो ये है देखिए मेन एंट्रेंस, और यहाँ पे देखिए ये मेरी बहन है, तो मैं जिसके घर का होम टूर करवा रही हूँ, तो यही है वो बहन। और मेरी बहन जो है आप सभी को हाय हेलो कर रहा था, तो मैं आ गई हूँ घर के अंदर। तो यहाँ पे एक बरामदा है, और यहाँ पे तीन बेडरूम है, नीचे तीन बेडरूम है, साथ में है बरामदा। तो हर एक रूम के अंदर मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, क्योंकि पूजा था ना, तो इसलिए मेहमान आए थे। तो यहाँ से होते हुए यहाँ पे देखिए एक बेसिन है, वॉश बेसिन, तो मुंह धोने के लिए। और यहाँ पे है किचन, तो देखिए किचन भी बहुत ही बड़ा है। और ये जो किचन है मॉड्यूलर किचन नहीं है, सिंपल नॉर्मल किचन है। और किचन प्लेटफॉर्म जो है वो एल शेप का है, और यहाँ पे मसाला का डिब्बा रखने के लिए थोड़ा सा जगह है, तो देखिए कुछ ऐसा है। और जो किचन प्लेटफॉर्म है उसके नीचे भी बहुत सारा सामान है, बर्तन रखने के लिए जगह है, और गैस का सिलेंडर रखने के लिए जगह है, यहाँ पे सिंक है बर्तन धोने के लिए, यहाँ पे बड़ा सा एक विंडो है। तो देखिए किचन का पूरा लुक कुछ ऐसा है। तो मेरी बहन के घर और एक किचन है, तो वो किचन में जो मिट्टी का चूल्हा है, तो मैंने तो उस जगह को नहीं दिखाया है इस होम टूर में, मैं दूर से थोड़ा सा दिखा रही हूँ। देखिए वो है वो किचन, दो किचन के मिडिल में है डाइनिंग रूम, तो वहाँ पे भी मैं नहीं गई, क्योंकि वहाँ पे भी लोग थे, तो डाइनिंग टेबल को तो ऐसे ही उठा के रख दिया है। और यहाँ पे देखिए ये बरामदा से होते हुए अभी मैं जा रही हूँ ऊपर की तरफ।
तो फर्स्ट फ्लोर में जा रही हूँ। तो सीढ़ी से ऊपर उठते हुए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एक इंडोर प्लांट और यहाँ पे एक विंडो है, और विंडो के एकदम साइड में देखिए ये है गुरुजी, मेरे बहन का और मेरे बहन के हस्बैंड का गुरुजी, मतलब इस घर का गुरुदेव है ये। तो अभी मैं आ गई हूँ फर्स्ट फ्लोर में। तो ऊपर आते ही देखिए यहाँ पे और एक बरामदा है, नीचे तो आपने एक बरामदा देखा, और इस साइड से जाते हुए ऊपर तीसरी मंजिल की तरफ है सीढ़ी, तो मैं बाद में दिखाऊंगी छत का नज़ारा। और अभी देख लीजिए यहाँ पे जो बरामदा है, तो नीचे जैसा बरामदा है वैसा ही ऊपर भी है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर का है ना, तो इसीलिए। तो देखिए सारा जो विंडो है ओपन विंडो है, मतलब इसमें कोई डोर नहीं है, तो अच्छी तरह से हवा आते हैं और बहुत सारा ग्रीनरी दिखता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, क्योंकि घर पे पूजा है ना, तो इसलिए बहुत सारे मेहमान हैं, तो इसी वजह से उतना सारा तो ऑर्गेनाइज्ड अभी तो नहीं है, दो तीन दिन से मेहमान है घर पे। तो अभी मैं सीधे जा रही हूँ बाथरूम की तरफ। तो देखिए बरामदे के एकदम लास्ट में है ये बाथरूम, तो ये है बाथरूम। तो नीचे भी एक बाथरूम है, ऊपर भी एक बाथरूम है। तो अभी देखिए मैं जा रही हूँ फिर से, अभी मैं जा रही हूँ बरामदे से होते हुए, अभी मैं जाऊँगी मेरे बहन के बेडरूम में। तो देखिए, और यहाँ पे भी एक वॉश बेसिन है, तो एक मुँह धोने के लिए एक बेसिन है, और नीचे भी तो आपने देखा एक बेसिन है। और बरामदे के एक साइड में है एक छोटा सा किचन टाइप का है, लेकिन ये किचन नहीं है, एक इंडक्शन है, एक डबल डोर का फ्रीज है, और यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों के लिए स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे अरेंज किया है। बाकी तो जॉइंट फैमिली है ना, तो नीचे ही बड़ा सा तो किचन आपने देखा। तो अभी मैं आ गई हूँ, छोटा सा एक बेडरूम है, तो वहाँ पे मैं अभी आई हूँ। तो इसके साइड में एक बैल्कनी है बड़ा सा, बट वहाँ पे मैं नहीं गई, और मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो होम टूर, ये मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं ये शूट करती तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैं अपने हिसाब से मैं इसको बनाती, बट जो भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं जाऊंगी मेरे बहन के बेडरूम में। तो अभी मैं आ गई हूँ मेरे बहन के बेडरूम में। तो बेडरूम देखिए, ये बहुत ही बड़ा बेडरूम है, बेडरूम काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे एक बॉक्स बेड है, साइड में एक अलमीरा है, और बड़ा सा एक विंडो है, और इस रूम का कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा है, और एक साइड में कपड़ों को रखने के लिए एक जगह है। तो वुडन का एक आलना है, जिसको आलना बोलते हैं बंगाली में, और साइड में थोड़ा सा सामान है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो दूसरे रूम का है। बट अभी तो पूजा के लिए एक रूम खाली करना पड़ा, मतलब कुछ मेहमानों के लिए, तो वहाँ से सामान लेके यहाँ पे रखा है। तो जो आलना आपने देखा थोड़ी देर पहले, मैंने जो छोटा सा बेडरूम दिखाया है वहाँ पे वो आलना रहते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे एक शोकेस है और एक टीवी है, टीवी थोड़ा सा पुराना है। और विंडो काफी बड़ा है। तो मैं इस बेडरूम का और एक क्लिप दिखा देती हूँ जो असली में कैसा है ये बेडरूम। तो देखिए कुछ ऐसा है, बहुत सारा सामान नहीं है। तो देखिए तब तो आपने देखा था बहुत सारा सामान, तो अभी तो खाली है देखिए। तो पूजा के दो दिन बाद, रूम खाली होने के बाद, मेरे बहन ने ये क्लिप मुझे भेजा था उसके मोबाइल से शूट करके, तो वही मैंने ऐड कर दिया है। और अभी मैं आ गई हूँ मेरे बहन के ननद के रूम में। तो मेरे बहन का जो बेडरूम आपने देखा उसके एकदम बगल में ही है ये रूम, तो मेरे बहन का ननद का रूम है, और वहाँ पे आप डोर देख रहे हो, डोर के उस साइड में एक बैल्कनी है। तो बैल्कनी का लुक मैं नहीं दिखा पाई, तो कुछ ऐसा है इस रूम का लुक देखिए। दो अलमीरा है और बहुत ही सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो अभी मैं बाहर की तरफ जाऊंगी। तो अभी मैं आ गई हूँ और एक बेडरूम में। यहाँ पे सामान नहीं है, अभी तक कोई फर्नीचर नहीं रखा है, एक बेड अरेंज करके दिया था मेहमानों के लिए। तो लास्ट में अभी मैं आ गई हूँ छत पे। तो छत का नज़ारा कुछ ऐसा है, तो बहुत ही बड़ा है ये छत, और बहुत सारे प्लांट्स रखा है, और साथ में आसपास तो बहुत सारा ग्रीनरी है ही, तो बहुत सारा पेड़ है, तो ऐसे छत से बहुत ही अच्छा लगता है दिखना। और छत पे भी पानी का व्यवस्था है, ताकि कपड़ों को वॉश करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, या भी कपड़ों को वॉश कर सकते हैं, साथ में सुखाने के लिए भी दे सकते हैं छत पे, तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है।
तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरे बहन का होम टूर, ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मैंने ये शूट नहीं किया है, तो मैं अभी बोल रही हूँ लास्ट में। मैंने प्लान करके रखा था कि मैं मेरे बहन के घर काली पूजा के लिए जाऊंगी, तब मैं उसका होम टूर शूट करके लाऊंगी, उसके बाद मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो वो नहीं हुआ, मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं जा पाई। तो ये जो होम टूर आपने देखा, इसमें थोड़ा सा मेरी बेटी ने शूट किया था और बाकी जो आधा थोड़ा सा मेरे बहन ने शूट करके मुझे भेजा था वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने ही उसको बोला था, क्योंकि मेरी बेटी ने उतना अच्छी तरह से वो नहीं कर पाई। तो जो बाहर का लुक आपने देखा, जो बिल्डिंग का, वो मेरे बहन ने भेजा है, और बहुत सारे क्लिप्स है जो मेरे बहन ने भेजा है और थोड़ा सा मेरे बेटी ने किया है। तो ऐसा ही करके मैंने ये होम टूर बनाया है आप सबके लिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप सबको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।